केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने निकाय चुनाव को देखते हुए जयपुर, जोधपुर और कोटा को दो धड़ों में विभाजित कर दिया है। हार के डर से राज्य सरकार हाइब्रिड फॉर्मूला उपयोग में ले रही है, जो कि लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत निश्चित दर्ज करेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोग, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोग अपने प्रत्याशियों की सूची भी ठीक से आप लोगों के माध्यम से जाहिर नहीं कर पाए, लोगों के बीच में नहीं ले जा पाए, असमंजस की स्थिति बनी रही और लोग इंतजार करते रहे, कयास लगाते रहे। भारतीय जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता भी इस बात की चिंता जो है कयास लगाते रहे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। 3 दिन तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इन सारे मोर्चों पर विफल रहने के साथ साथ में विकास के पैरामीटर्स पर भी, जो राजस्थान पिछली भाजपा नीत सरकार के समय में जिस तरह से देश के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों की श्रृंखला में जो है कड़ी में आकर के खड़ा हुआ था, वो राजस्थान आज हरेक पैरामीटर पर पिछड़ता जा रहा है। केवल और केवल, जैसे मैंने कहा, कि दो पैमाने जिस पर राजस्थान आगे बढ़ा है, जो अव्वल दर्जे पर शीर्ष स्तर पर पहुंचा है, एक भ्रष्टाचार के आंकड़े में और दूसरा अपराध के आंकड़े से। जोधपुर उत्तर और दक्षिण दोनों के भी बोर्ड पे जब नाम बोर्ड बनेंगे और उसके नाम अंकित किए जाएंगे, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रत्याशी वहां होंगे। एक कुछ षड्यंत्र और भी किया गया था कि चुने जनता चाहे किसी को भी चुने, सरकार जिसे चाहे उसको हाइब्रिड फॉर्मूला के तहत पद स्थापित कर सकती है। मैंने ऐसा सुना है कि हार के भय में राज्य जो है सरकार इस जो है पद्धति को भी एक बार फिर उपयोग करने की मानसिकता को टटोलने का प्रयास कर रही है। मैं खुले मंच से आप सबके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता की आवाज को इस तरह के किसी कानून के माध्यम से अगर दबाने के प्रयास किए तो उसके बहुत बुरे परिणाम कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के मुख्य की सरकार को बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे।